subscribe to our channel SinTV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, मां शेफ फैसल तां दी सुपर कुकिंग शो में ता सब खैरियत सां हूंदा। रोज़ा भी सुठा गुज़रंदा, अॼु गर्मी भी तमामु घणी आहे ऐं तमामु सुठी रेसिपी सां गॾु जेको तव्हांजे लाइ खणी ईंदा आहियूं, काफ़ी सारी वैरायटी तव्हांखे रमज़ान में सेखारी, ड्रिंक्स सेखारियूं, आइसक्रीम सेखारियूं, काफ़ी चटपटी शयूं सेखारियूं, खाधनि ते अची वियूं, खाधनि जी बि काफ़ी वैरायटी आहे जेको असां ठाहींदा आहियूं। शारजा कुकिंग ऑयल सां गॾु वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर लो कोलेस्ट्रोल ऑयल आहे, ओमेगा 3 मौजूदु आहे, तमामु बहितरीन। बनस्पति गिहु ख़ासिकर मिठा ठहंदा आहिनि, पराठनि में यूज़ थींदो आहे। हुन सां गॾु फुल क्रीम मिल्क ऑलपर जो ज़बरदस्त पैकिंग में दस्तियाब आहे। ऑलपर फ्रेश क्रीम तमामु ग़िज़ायत खां भरपूर सुठी क्रीम आहे जंहिंमें मिठा ठाहींदा आहियूं, आइसक्रीम्स में यूज़ थींदी आहे। खीर पीअण में बि तमामु सुठो खीर आहे, भलो आहे, पैकिंग में दस्तियाब आहे। त इन में अॼु बि मां तव्हांखे हिकिड़ी मिठी ज़बरदस्त रेसिपी ठाहिणु सेखारियां पियो, काफ़ी सारी वैरायटी तव्हांखे मिठे में ठाहिणु सेखारी आहे। हुन सां गॾु कर्शी जो जामे शीरी तमामु बहितरीन शरबत आहे, रिफ्रेश करे सहरो अफ़्तार। कर्शी जो जामे शीरी संदल ऐं गुलाब जी ख़ुशबू में, ज़ाइके में, कुदरती जड़ी बूटियुनि सां तयारु थियल आहे ऐं इलायची फ्लेवर में बि तमामु सुठो ग्रीन कलर में, साई कलर में दस्तियाब आहे। शुगर फ्री पेशेंट लाइ बि मार्केट में मिले पियो, वठी सघो था। हुन सां गॾु हर घर जी ज़रूरत NX क्वालिटी प्रोडक्ट आहे, 6 फंक्शन जेका विद LED लाइट सां गॾु आहे, तमामु बहितरीन। हिन में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, बीटर, हैंड मिक्सर सभु हिन में मौजूदु आहिनि। तव्हां घर में वठी रखो इहे शयूं ताकि कुकिंग खे तव्हांखे वधीक आसानी थी वञे। अधीन लाइ तमामु बहितरीन आहे। हिन जो माइक्रोवेव ओवन बि दस्तियाबु आहे, वेबसाइट तव्हां हिननि जी ॾिसी सघो था ऐं हुते वञी सॼी आउटलेट ते तव्हां शइ जेका वठणी हुजे वठी सघो था। फेसबुक ते हिननि जा क्वेश्चन हूंदा आहिनि, हिननि जे साइट ते वञी हुन जा जवाब ॾींदव त तव्हांखे इनामत बि मिलंदा। अॼोकी जेका रेसिपी ठाहे पियो तमामु मज़ेदार, रमज़ान जे हवाले सां बि आहे ऐं ईद जे बि हवाले सां फ्रूट ट्राइफल ठाहे पियो। लबे शिरी हूंदी आहे, हुन सां गॾु फ्रूट कस्टर्ड हूंदो आहे, हिन तरीक़े जी दूध दुलारी हूंदी आहे, काफ़ी शयूं ईअं हूंदियूं आहिनि। त हीअ फ्रूट ट्राइफल बि हुननि जो हिकिड़ो फैमिली मेम्बर आहे, त हिन में केक जो बि यूज़ थींदो आहे ज़बरदस्त। इहा ईद लाइ बि तमामु सुठी रेसिपी आहे, तव्हां ठाहिजो। हिन खे सर्विंग ॿ तरीक़े सां सेखारींदमि, हिकु ग्लास में ऐं हिकु डिश में। हुन सां गॾु ठाहींदासीं, अंब जो सीज़न आहे, मैंगो शेक ठाहींदासीं। ॿई रेसिपीज़ तमामु बहितरीन आहिनि, सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदियूं। कुकिंग विद शेफ फैसल मुंहिंजो पेज उते रेसिपी अपलोड थी वेंदी आहे। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो कुकिंग विद फैसल यूट्यूब ते, सर्च कंदो, हुनखे लाइक कजो, सब्सक्राइब कजो, बटण जेको ॻाढ़ो हूंदो आहे उहो तव्हांखे डेली अपडेट्स मिलंदियूं रहंदियूं। ऐं हाणे किचन में बि हलंदासीं, रेसिपी स्टार्ट कंदासीं। अॼु की जो मां रेसिपी बना रहा हूं शारजा कुकिंग ऑयल के साथ, वाइटमिन ए यू डी से भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल, ओमेगा 3 मौजूदु है, उसके साथ फुल क्रीम मिल्क ऑल पर की फ्रेश क्रीम, डेरी फ्रेश क्रीम बेहतरीन, जिसमें हम दूध ये यूज़ भी करते हैं, बच्चों को भी दें। टेट्रा पैक में दस्तियाब है, मीठे आइसक्रीम्स आपको इसमें बनाना सिखाइए, बहुत चीज़ों में ये यूज़ होता है। फ्रेश क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त है, आज भी मैं एक मीठा बनाऊंगा जिसमें दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। कर्शी का जामे शीरी कुदरती अज़ा से तैयार किया हुआ है, ज़बरदस्त जड़ी बूटियों से, और उसमें गुलाब और संदल का फ्लेवर है उसके साथ रेड कलर में, और इलायची फ्लेवर है ग्रीन कलर में, बेहतरीन। इसको आप लस्सी में, दूध में बना के पी सकते हैं, ड्रिंक्स बना सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर फ्री भी मार्केट में अवेलेबल है, NX की ब्रांड है, NX क्वालिटी प्रोडक्ट है, 6 फंक्शंस विद LED लाइट्स हैं। और इसमें क्या है कि जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, मिक्सर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, और उसके अलावा माइक्रोवेव ओवन वगैरह सब इसमें आप आउटलेट्स पे जाके इनके देख सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं। आज की जो मैं रेसिपी बना रहा हूँ फ्रूट ट्राइफल बना रहा हूँ, रमज़ान के हिसाब से भी है क्योंकि इसमें फ्रूट्स भी डल रहे हैं, जेली और काफ़ी सारी चीज़ें। और यही रेसिपी आप ईद में अगर बनाएंगी तो ग्लास में भी सर्विंग बता रहा हूँ इसकी, कलरफुल होगी ये दोनों रेसिपीज़। दूसरी रेसिपी क्या है, मैंगो मिल्क शेक बना रहे हैं, दोनों रेसिपीज़ नोट कीजिएगा, कल 12 बजे रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ फैसल मेरा पेज में रेसिपी अपलोड हो जाती है, वीडियो देखने के लिए सर्च करें यूट्यूब पे कुकिंग विद फैसल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें तो आपको अपडेट्स आती रहेंगी। किचन में चलेंगे, रेसिपी स्टार्ट करेंगे फ्रूट ट्राइफल। फ्रूट ट्राइफल में ये भी एक फैमिली, जैसे फैमिली होती हर चीज़ की, इस तरह लबे शीरी, दूध दुलारी है और फ्रूट कस्टर्ड, उसी की एक फैमिली है। डिफरेंट तरीक़ों से बनते हैं कस्टर्ड और फ्रूट्स के रेसिपीज़, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कस्टर्ड बनाएंगे फ्रूट ट्राइफल के लिए। कस्टर्ड के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, 1 लीटर हमने लेना है ऑल पर फुल क्रीम मिल्क, ठीक है। ऑल पर फुल क्रीम मिल्क हम लेंगे 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर ऑल पर फुल क्रीम मिल्क। इसमें से थोड़ा सा बचाएंगे कस्टर्ड के लिए, 1/2 कप जितना, ठीक है। ये देखें फुल टेट्रा पैक है पैकिंग में, और इसकी ये सील्ड होता है फुल, ठीक है। जब इसको खोलने के बाद आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में रख दें, गर्मी होती तो अगर सुबह खोल लें, शाम तक आप बाहर रखें, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें, वरना
गर्मी से ख़राब हो जाता है। ठीक है, फुल क्रीम मिल्क है, ही पैकिंग में दस्तियाब है। इनके तव्हां जॾहिं खोलंदो त फ्रिज में रखी छॾो, बाहर रखंदो त हिकु ॾींहं खां मथे न रखंदा कयो, पोइ ख़राबु थी वेंदो गर्मी में। हिन मां अधु कप बचाए रखंदासीं कस्टर्ड जे लाइ। ठीकु आहे, कस्टर्ड में आज इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ, वो आपको जो अच्छा लगे। आधा पाव जितना दूध मैंने इसमें बचा के रखा है, जो हम एक बॉल में डालेंगे जिसमें हम कस्टर्ड को डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, चलें बाद में लेते हैं। अब जब दूध हमारा ये अच्छा, इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि टेट्रा पैक में है, फुल क्रीम मिल्क है और ये बॉयल्ड होता है। इसको जस्ट मैं गर्म करूँगा और इसमें 10 खाने के चम्मच चीनी जाएगी, एक कप। ठीक है, एक लीटर में एक कप खंड वेंदी, 10 टेबल स्पून। ठीक है, 10 टेबल स्पून चीनी जाएगी। इनके गरम करण की ज़रूरत नथी हुजे छो कि ही बॉयल हूँ और ही बॉयल थी पैक थन्द इनके बॉयल न करो, जस्ट गरम करें इनमें खंड के डिजॉल्व कंदी। वहीदा शाह कराची से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आदा खुश आयो। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ छा हालन, रोजा क्या पे हालन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दा रोजा सही हालन। जी दी किताब का बेस्ट मुझे पेज आए, पेज ते 2000 का मथे रेसिपीज आइन। ठीक है, किताब में 10 रेसिपीज या 15 या 20 रेसिपीज हुंदी, को फायदो ना है, उनके केतरी दफा ता दिसंदो पेज एडो जबरदस्त है, उनमें 2000 रेसिपीज है। ता खोलियो कदे मुझे पेज फोटोज में अनो के दियो रेसिपीज है, वो वधिक आसान है आदि छो कि किताब खरीदंदो पैसा भी खर्च कंदो, पो 10-15 रेसिपी हुंदी केतरी दफा ठाइंदो। सबनी का आसान अजकल ता ई फेसबुक वगैरह एडा इजी थी वियन हने जे मोबाइल जे जरिए, ता वो वधिक बेस्ट आ। आई जेको हित्ते मा एडो गलाइंदो आ 50 दफा रेसिपी रिपीट कराइंदो, ता एनी करे ताके ता लिखंदा वणो पाण। जी जी जी, ना यो कंदा आयो बियो ता जी जेकी कजन आई बाहर मुल्क सा, उन ता के मतलब आलन जो टिक्कियो ठायो हु, हां हां ता असा के दस जा असा के पेज नंबर दस तो सा कडा उना मा छाशी आदि वरी बताइजो आलू जी टिक्कियूं ठाहियूं। फेसबुक नाले का मैसेज कजो ताकि वो रेसिपी इनबॉक्स में मोकली छंदम। ठीक है, आसानी से मिली वी, तक मैसेज कर चंदम वो रेसिपी। ठीक है दी, याद से मुझे नाले से ताकि मुझे खबर हुए कि तुम घुरी है। ठीक है दी, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे चीनी इसमें डिजोल्व हो गई अच्छी तरह। ठीक है, बॉयलिंग नहीं दे रहा हूँ इसको। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर मुझे ज़्यादा लग रहा है, पहले हम लेंगे 3 टेबल स्पून ट्रे खाने जो चमचा खंडासी कस्टर्ड पाउडर, मुझे ये ज़्यादा लग रहा था तो मैं थोड़ा कम करूंगा क्योंकि 1 लीटर में 3-4 टेबल स्पून होता है। हाँ बस इसको हमने बना लेना है दूध के साथ। ठीक है, फ्लेवर जो आपको अच्छा लगे आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है क्योंकि लास्ट मैंने बनाया था तो वो बनाना फ्लेवर में था। इनमें अध कप खीर विझंदासी इनके चंगी तरह मिक्स कजो, हमेशा थदे खीर में कस्टर्ड के मिलाईंदा कयो, गरम में गंडा ठही वेंदा, कॉर्नफ्लोर वांगर हुंदो आहे त कॉर्नफ्लोर एंड कस्टर्ड हमेशा थदे खीर में या थदे पानी में डिसॉल्व कंदा कयो। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, विस्क ले लें या स्पून ले लें, इस तरह घुमाते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। 3 टेबल स्पून डाला है, 4 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, इसको मिक्स करके रहें, ये फ़ौरन गाढ़ा नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है। 1 टेबल स्पून और लेंगे, कभी भी ज़्यादा ना डाला करें, इस तरह हमेशा कस्टर्ड बनाया करें ताकि आपका नुकसान भी ना हो, रबड़ की तरह गाढ़ा भी ना हो जाए। ठीक है, बस ये 4 टेबल स्पून में ही गाढ़ा हो जाएगा। 4 खंड जा चमचा कस्टर्ड थी वो ट्रे में पेरी विधा। ठीक है, हमेशा 3 टेबल, बाज़ दफ़ा क्या होता है 1 लीटर 3 टेबल स्पून में भी गाढ़ा हो जाता है, बाज़ दफ़ा 4-5 टेबल स्पून भी जाते हैं, और कंपनी का भी डिपेंड करता है, कस्टर्ड अच्छी कंपनी का हमेशा लिया करें। ठीक है, अगर कस्टर्ड नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई उससे मसला नहीं होता, ये भी कॉर्नफ्लोर होता है फ्लेवर्ड में। ठीक है, अगर कस्टर्ड ना है तो कॉर्नफ्लोर भी विझी सको था, उनमें फूड कलर विझी तक कलर दे सको था, छाकर था ये भी फ्लेवर्ड हों, ये भी कॉर्नफ्लोर कॉर्न स्टार्च हों। अब देखें 4 टेबल स्पून से ही बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ा हो गया। ठीक है, इसको 3 मिनट पकाऊंगा ताकि गाढ़ा हो जाए। उमेरा है कराची से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। तो मैंने पूछना था कि आप ने जो कल मसाला बनाया था बिरयानी मसाला, वो एक दफा आप रिपीट कर दें और किसी दिन फेनिया बनाना सिखा दें हमें। क्या बनाना सिखा दें? फेनिया बनाना सिखा दूं? मैं कोशिश करूंगा। अब टाइम बिल्कुल ही खत्म हो गया क्योंकि मुझे ईद की रेसिपीज रह गई हैं, 4-5 दिन रह गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा। बाकी ये कि मैं मसाला जो बिरयानी का कल बनाया था वो मैं रिपीट करा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, लेकिन कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जी, हाँ वादा नहीं करता हूँ लेकिन मैं कोशिश करूंगा, नाराज नहीं होइएगा, ठीक है? चलो अगर अब नहीं बना सकते तो ईद के बाद, ईद के बाद में, ईद के बाद बना दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? अपनी सारी टीम को मेरे बहुत सलाम। और वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। ये देखिए अब बिल्कुल गाढ़ा हो गया, ठीक है? गाढ़ा हो गया, कंसिस्टेंसी देखें इसकी, घाटोपन जो डिसो है डिसो, बस इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ये रखने से भी गाढ़ा हो जाता है, ठीक है? इतना ही होना चाहिए क्योंकि फ्रूट ट्राइफल बना रहे हैं तो इसकी लेयर्स जब भी ठंडा होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। और विस्क इस तरह की होती, ये नहीं हो तो स्टील की आपके पास होगी, ठीक है? फेंटण वारो यो ना है, था स्टील वारो भी उजे भली उन्हें सा छा थो कस्टर्ड में ना लम्स ना थन, गंढा ना ठंडा। इस तरह ये कस्टर्ड हमारा हो गया तैयार, इसको अब उतार के ना पीछे यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, ठीक है? यहाँ पे हवा लगती रहेगी इससे तो ये ठंडा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब तक इसके असेंबलिंग बनाते हैं क्या क्या इसमें जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? हाँ, इनमें छाछा विंदो हिते मिक्स फ्रूट आ है। मिक्स फ्रूट मैंने क्या क्या लिया है, एक आम ले लें बड़ा, ठीक है? 2-3 चीकू ले लें और उसके साथ छील के एक अदद सेब डाल दिया है और एक अदद आड़ू डाल दें, ठीक है? अंब खाओ एक वडो उनजा क्यूब्स करे छड़िया, चीकू खणी वठजो 3 अदद नंढा आहिनि त 2 वॾा आहिनि त 2 खणी वठजो, चीकू कटे छड़िया, आड़ू खल हटाई आड़ू हिकिड़ो विझी छॾिजो ऐं सूफ़ एक वो खड़ी इन की खल टाई नंढा क्यूब्स कर वेदा है। इतने ही केला इन केलन के कटिंग क्यों था, केला मैं इनमें 4 विझा पे, ठीक है? 2 तरह से इसकी हमने डेकोरेशन करनी है। अच्छा, फ्रूट केक मार्केट में मिलन है, ही फ्रूट केक है स्लाइस में, नंढे साइज जो दरमियानी साइज जो फ्रूट केक विंदो, ठीक है? फ्रूट केक जाएगा और ये कप केक भी यूज़ करूँ, ये ग्लास में बना रहा हूँ क्योंकि मैं कप केक डालूंगा, आप फ्रूट केक से भी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा सॉरी, ये है वनीला एसेंस और या ये डालना था मैं भूल गया, ये डाल देते हैं इसमें, ठीक है? केवड़ा वाटर या अरके गुलाब, या वनीला एसेंस है तो उसके 2 ड्रॉप डाल दें, ठीक है? केवड़ा वाटर या अरके गुलाब डाल दें 1 खाने का चम्मच, अगर वनीला एसेंस है तो वो आधा चाय का चम्मच से भी बिल्कुल कम, 1/4 टीस्पून, इससे खुशबू आएगी इसमें कस्टर्ड में बहुत अच्छी, ठीक है? डालना भूल गया था, ये भी डाल दिया मैंने, ठीक है? वनीला एसेंस या वनीला एसेंस नंडी बोतल वारो है तो 1/4 टीस्पून 4 चाय जो चमचो, केवड़ा वाटर या अरके गुलाब है तो 1 खाने जो चमचो, यो विझी छो, हाँ इनके रखी था छूँ। केलन की कटिंग क्यों था, सजो फ्रूट मिक्स करे एकड़े बॉल में विझी छो, रेड कलर की जेली है ग्रीन कलर की जेली है, इसका पैकेट्स मिलते हैं, ये आपने वही 1.5 कप पानी के साथ जैसे पानी बॉयल होता है उसमें डिसॉल्व करके निकाल के पंखे के नीचे बॉल में रख दें और ये जम जाती हैं 20 से 25 मिनट पे, ठीक है? फिर इसको फ्रिज में रख दें। जेली ग्रीन साए गाढ़े कलर में पैकेट वठी वठजो, इनके छा कंदो तहां गरम पानी कजो 1.5 कप, मथे पानी ना हो ना तो नरम थी वेंदी, ठीक है? 1.5 कप पानी बॉयल कजो, उनमें फौरन ही विझी तेज तेज स्पून हलाएजो, 2 मिनट हलाने का पॉइंट के प्याले में कढ़ी पखे जेट रखी छो, 20-25 मिनट में बिल्कुल तैयार थी वेंदी, ठीक है? बाकी इनमें शुगर सिरप या को भी जूस जो इतने मैं ऑरेंज जूस यूज़ किया, ठीक है? ऑरेंज जूस यूज़ करूँ 1 कप जितना केक के ऊपर डलेगा इसको सॉफ्ट करने के लिए, वरना शुगर सिरप आप बना सकती हैं। 1/2 कप चीनी 1/2 कप पानी को बॉयल करें, चीनी डिसॉल्व हो जाएगी इसको ठंडा कर लें, वो शुगर सिरप बन जाएगा, ठीक है? और इसमें जाएगी किशमिश 1/2 कप जितनी, और यहाँ पे एक ब्राउन कपकेक है, ये ऊपर से गार्निशिंग में थोड़ा लुक देने के लिए ब्राउन कपकेक डालेंगे, ठीक है? बिल्कुल सिंपल और मज़ेदार ये रेसिपी है, ये आपने ज़रूर बनानी है, ईद के लिए मैं बना रहा हूँ, और अगर आप वैसे आज भी बनाना चाहें तो आज भी बना सकती हैं, ठीक है? शीर खुरमा है, बिरयानी रह गई है, 1-2 चिकन की और अच्छी रेसिपीज़ हैं, तो ये इंशाल्लाह ईद से पहले कंप्लीट कर लेंगे ताकि आप लोग ईद में इंजॉय कर सकें रेसिपीज़ को, और बाकी जो फरमाइशें रह गई वो ईद के बाद फिर हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसमें हम चीनी मिलाएंगे, ठीक है? इनमें खंड मिलाइंदासी 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चीनी डालने का मकसद ये है कि फ्रूट थोड़ा मिठास सी आ जाए और इसके ऊपर एक लेयर सी आ जाएगी, ठीक है? खंड विझी छी 1 खाने जो चमचो, 1 टेबल स्पून चीनी डाल दी, 1 आम, ठीक है? 4 अदद या 3 अदद केले स्लाइस में काट दें, 2 से 3 अदद चीकू हैं छोटे हैं तो 3 ले लें, बड़े हैं तो 2 चीकू डाल दें, 1 आड़ू छील के काट के डाला है, 1 सेब है छील के काट के डाला है, मिक्स फ्रूट है, ठीक है? अंगूर का सीज़न नहीं होना, इसमें अंगूर भी डालता है 1/2 कप जितना अंगूर, ये हो गया।
जेली इसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, मज़ेदार रेसिपी है जी। सखर से नसरीन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक जी। कल आपने बिरयानी बनाई थी ना, बहुत अच्छी बनाई थी जी। जी थैंक यू। हाँ, और ना मैं वैसे ही बनाती हूँ, लेकिन जो मसाला डालती हूँ ना बिरयानी मसाला, वो पैकेट का डालती हूँ। हाँ हाँ, ये वही मसाला है जो पैकेट वाला होता है ना, सेम आपको वही फ्लेवर मिलेगा। लेकिन ना आपने मसाला बहुत अच्छा बनाया था, और ना एक दफ़ा रेसिपी मैंने कल देखी थी आपकी, पूरी बिरयानी की रेसिपी देखी थी। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा आप ना रिपीट कर दिएगा। अभी मैं मसाला रिपीट करा रहा हूँ, एक बहन की कॉल आई थी कि मसाला रिपीट करा रहे हैं, तो मैं भी रिपीट कराता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सुन पूरा उसमें लिख लीजिएगा जो मिस हो गया हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत खूबसूरत डिश लग रही थी आपकी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बनाते हैं लेकिन हम पैकेट के बनाते हैं। अब आप ये बना के देखिएगा, बिल्कुल आपको पैकेट से भी अच्छा इसका मजा लगेगा। अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं, बहुत रोज तो नहीं कॉल करती, रोज कॉल नहीं करती हूँ मैं, लेकिन मैं देखती हूँ पाबंदी से आपका प्रोग्राम हूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दो में तक बिरयानी की रेसिपी चाहिए थी, मैंने देखी थी बिरयानी आपकी, तो मैंने कहा चलो मैं कॉल करके पैसल से कहूँ कि आप मुझे जरा रिपीट कर दें। चलें, मैं अभी रिपीट ना उसका। जी जी, अभी मैं रिपीट कराता हूँ। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया आपका, अच्छी अच्छी चीजें बताने का। बहुत बहुत पूरी टीम को मुबारकबाद। खैर मुबारक, खैर मुबारक, थैंक यू। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक ये मैं कटिंग करके इसको निकालता हूँ, उसके बाद आके बिरयानी की रेसिपी रिपीट कराऊंगा, इसको भी हम फॉरवर्ड करेंगे, पूरा बनाएंगे रेसिपी को, कैसा बनाना है, बट होते शॉर्ट ब्रेक। फ्रेश करे सहरो अफ्तार करशी जो जामे शीरी तमाम बेहतरीन शरबत है, खास जड़ी बूटी से तैयार के लिए संदल ए गुलाब की खुशबू जायके में होने से अगर इलायची फ्लेवर में भी दस्तियाब है। ऑल पर फुल क्रीम मिल्क, ऑल पर जो फ्रेश क्रीम, तमाम बेहतरीन जैसे असा मिठो ठाई पे तमाम जबरदस्त के समझो। शारजा कुकिंग ऑयल हमेशा संसा गड है, जो वाइटामिन ए ई डी का भरपूर है, लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 मौजूद है, वनस्पति घी तमाम बेहतरीन है, आईनेक्स क्वालिटी प्रोडक्ट तमाम बेहतरीन 6 फंक्शन सा गड है, एलईडी लाइट सा गड है, जिनमें जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड मिक्सर, हैंड बीटर वगैरह मौजूद आइन, उनके अलावा ग्राइंडर आइन, जो कीमे वाली मशीन है जो कीमो पीसबो है, उनमें माइक्रोवेव वगैरह भी मौजूद है। ठीक है, इतने कस्टर्ड जो थदो थी वने सफ़ा, ये देखें अब ये गाढ़ा हो गया, लेकिन इसमें आपने इसका विस्क चलाते रहना है ताकि इसका टेक्स्चर क्रीमी रहे, वो पीसीस सा ना हो जाए, फ्लफी से पीसेस बनते हैं। ठीक है, इनमें हिन टाइप जी फेंटण वाली ही विस्क हूँ है, जैसे फेंट टू भी चाहबो है, यो तक हलाइंदे रहो। हाँ कहसी ऑलपर जी फुल क्रीम मिल्क फ्रेश क्रीम है। ठीक है, फ्रेश क्रीम है, ये 200 ml है। ठीक है, इसमें से हम 100 ml इसमें डालेंगे, अधन जो पैकेट विझासी हिन में, आधा पैकेट काफ़ी है। ठीक है, 1 लीटर में, और बाकी थोड़ी टॉपिंग के लिए रख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी हम उसमें डालेंगे शेक में, इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि ये क्रीमी कस्टर्ड बन जाए, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ऑल पर फुल क्रीम मिल्क। अच्छा, इसको हमने जी अफशाह हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल बेटा ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अफशाह कराची से बात कर रही हूँ। जी जी, पहचाना मैंने आपको, तो पहले ईद मुबारक होनी चाहिए, पता नहीं मैं आपको फोन कर पाऊँ नहीं। क्या होनी चाहिए? ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्यों इतनी जल्दी अभी से? जी शॉपिंग में लग जाएंगे ना, फिर टाइम नहीं मिले। हाँ ये भी है, चले खैर मुबारक, आपको ही मुबारक हो। अच्छा फैसल भाई, मुझे रशियन सैलेड की रेसिपी जरूर बता दें, इतने बनाऊंगी मैं। बेटा रशियन सैलेड की रेसिपी अभी बना तो नहीं सकूंगा, लेकिन आप मेरा बता दें, मैं वर्बली बताता हूँ। ठीक है, अभी बिरयानी की रेसिपी बताऊंगा, जरूर जरूर बता दीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अच्छा ये कपकेक है, इसको इस तरह 4 पीस में काटें, क्योंकि हमने इसमें शुगर सिरप डालना है इसको सॉफ्ट करने के लिए, तो 4 2 क्रॉस में कट लगा दिया। ठीक है, ग्लास में इसलिए बना रहा हूँ कि ग्लास में असम्बलिंग भी अच्छी लगती है, ईद में आप इस तरह के ग्लास बना के रखते हैं गेस्ट के लिए। ठीक है, और कॉलर भी कह रही थी, बीच में कॉल आई थी कि ग्लास में भी आप बताया करें असम्बलिंग करना, इस तरह अच्छा लगता है ग्लास में भी, फिर वो डिस्पोजेबल ग्लास ले लें अगर बहुत सस्ते पड़ते हैं, 2-2 3-3 रुपये के, अच्छा लगता है इस तरह के ग्लास बना के बहुत सारा फ्रिज में रखते हैं, गेस्ट आते हैं तो उनके आगे अब ये ट्राइफल्स के रखें। ठीक है, अब ये हो गया, इसके बाद हम डालेंगे शुगर सिरप। ठीक है, मैं बिरयानी की रेसिपी अभी रिपीट करा रहा हूँ, बस ये मैं रेसिपी कंप्लीट करके,
क्योंकि इसके बाद हमारे पास और रेसिपी नहीं, तो हम बिरयानी की और इसकी। अच्छा, इसमें दो दो खाने के चम्मच शुगर सिरप या ऑरेंज जूस साशे में मिलता है, नाम नहीं लूँगा, पाउडर फॉर्म में, वो ले लें एक छोटा साशे, और उसको 1 से 1.5 कप पानी के साथ आपने डिसॉल्व कर देना, ठीक है। ये वो ऑरेंज जूस है, नहीं तो टेट्रा पैक वाला ले लें। दो दो खाने के चम्मच ऑरेंज जूस डाल दिया ताकि केक सॉफ्ट हो, जब आप खाएं तो ड्राई नहीं हो, आपको अजीब सा ना लगे खाने में। अब हम क्या डालेंगे इसमें, ग्रीन जेली, रेड जेली, ठीक है, इस तरह एक एक चम्मच ग्रीन जेली, एक बड़ा बॉल भी बनाएंगे, ठीक है, वो भी प्यालो ठाए पो ये नंढे गिलास में, ता गिलास में भी ठाई सको, सुठो लगा दो डाढ़ो। हिंजे मथा विझंदी जो कस्टर्ड ठाए, क्रीमी कस्टर्ड, कस्टर्ड हमारा हो गया, इसमें क्रीम मिला दी, ठंडा भी हो गया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कस्टर्ड, नहीं ऊपर ही पकड़ लूँ, ठीक है, कस्टर्ड डाल दिया थोड़ा थोड़ा इस तरह, अभी भी थोड़ा गर्म है, अच्छा सा इसको ठंडा करना है अपने, ठीक है। ये डालने के बाद इसके ऊपर आपने डाल देना है फ्रूट, जो हमने फ्रूट मिक्स करके रखा हुआ है, इसके ऊपर डाल देंगे फ्रूट, दो दो खाने के चम्मच, ठीक है, बब्बा खाने जा चम्मच फ्रूट भी जी छो। बहुत सारे, ये तकरीबन 10 अफराद की सर्विंग हो जाती है, ठीक है, 10 अफराद से 12 अफराद आराम से खा लेते हैं जिस क्वान्टिटी में मैंने बनाया। फ्रूट्स डाल दिए, ठीक है, फ्रूट्स डालने के बाद आपने फिर इसके ऊपर डालनी है जेली, किसी में ग्रीन डाल देते हैं इसमें इस तरह मिक्स करके, ठीक है, थी भाई ग्रीन जेली थी भाई। इसके बाद फिर लास्ट में डालेंगे कस्टर्ड, ट्राइफल ग्लास तैयार, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा टॉपिंग करेंगे इसके ऊपर, किशमिश डाल दें, 4-4, 6-6 दाने, बादाम डालना चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी सी जेली के 1-2 पीस इस तरह डाल दें, मज़ेदार ये हमारी हो जाएगी रेसिपी तैयार। फिर थोड़ा सा फ्रूट ट्राइफल से फ्रूट डाल दें, ठीक है, ये हो गई इसकी असेंबलिंग, ऊपर से क्रीम थोड़ी सी टॉपिंग में डालेंगे, लास्ट में क्रीम थोड़ा किनारा साफ करके। इस तरह आपने ग्लास बनाने हैं बड़े मज़े के, ये ज़बरदस्त ट्राइफल ग्लास हो जाते हैं, फ्रूट ट्राइफल, गेस्ट आए तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त। फ्रेश क्रीम थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर डाल दें टॉपिंग में, ठीक है, इससे क्या होता है लोग अच्छा जब ठंडा करके आप सर्व करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है। हमारे हो गए 3 ग्लास तैयार, ज़रूरी नहीं कि आप यही वाले ग्लास लें डिस्पोजेबल, आप अपने पास वाइन ग्लास होते हैं, शीशे के ग्लास होते हैं उसमें बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह के ये वाइन ग्लास हैं जिसमें हम ड्रिंक निकालते हैं, ठीक है, इस तरह के वाइन ग्लास में भी आप निकाल सकते हैं, हेड़ा ग्लास होता है इन घर में तो हिन में भी कटी सको था, नंडा ग्लास हो जाए उनमें भी कटी सको था, ठीक है, इस तरह आप ये ग्लास में निकाल सकते हैं। ये हो गया, अब हम इसका एक बनाएंगे जो मेन डिज़र्ट का बॉल होता है, इसमें हमने क्या करना है केक के स्लाइसेस लेने हैं, ठीक है, एक मीडियम साइज़ का केक ले लें, स्लाइस इसके इस तरह बिछा दें, ये देखें केक्स इस तरह स्लाइसेस ऊपर डाल दें, ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर फिर हमने डालना है शुगर सिरप या जो हमारे पास जूस है, ठीक है, ये पूरा केक को आपने सॉफ्ट करना है, जब आप खाएंगे तो केक आपको ड्राई नहीं लगेगा, ठीक है, खुश्क ना लगन दो इनका केक, हे सजो इंज मथा, ये 1 कप होना चाहिए सिरप पूरा, ये देखो जबरदस्त हो गया, पूरा डाल दिया मैंने 1 कप जितना था, ये क्या होगा इससे केक आपका सॉफ्ट होगा, जब आप केक खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर हमने डालनी है जेली, जेली इंज मथा भेजी चलो लेयर करें। अन्ना मैन अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अन्ना मैन शाह लाइन,
जी अदा तो निकी है ठीक है दुआओं ता जो ता बताओ छा हाल है जी अदा ठीक है अदा ता पूरी टीम दे सलाम वालेकुम सलाम अदा मुनी कजन है मोदा ने स्पेशली थैंक्स किचन ता इतनी गर्मी में असा लाए थे सुठी सुठी डिशेस चाहिए रमजान में मखे ता गर्मी न पई लगे माता एसी में बैठो आ पो बस आ के अदा इन शे जो कदर है ता मतलब रोजे में इतनी शे उठायो ता असा लाए पूरो ध्यान दियो ता हेलो शुक्रिया तमाम घणी मेहरबानी जी हां अदा सही दुआएं ता असा गड ये प्रोग्राम कंदा रहे ता देखो जेस तई हुंदा ता सा गड जी हां इंशाल्लाह अदा मुजी जे का फरमाइश ही मोदा है चाहिए पाइने बिलवारो केक अच्छा जो पाइनएप्पल केक मैं दिसा तो ईद का पहले मुझे इरादा है इंशाल्लाह ठाई बता ठीक है हां ईद का पहले अदा एंड जो अदा बेलपुरी ही थोड़ी बुदाईंगा अच्छा शे बेलपुरी की ठाई दिसा तो अगर टाइम लगी मिली हो तो हाने मैं बुदाई चंदम ठीक है जी हम अगर मेहरबानी अदा सब ने दिन सलाम वालेकुम अस्सलाम थैंक यू अल्लाह हाफिज़ मेहरबानी अल्लाह हाफिज़ नीचे केक बिछाया ठीक है केक बिछाया उनके मथा सिरप पे तो उनके मथा जेली जी कड़ी लेयर भी जी छड़ी उनके बाद पे उनके मथा मैं कस्टर्ड जी लेयर भी दिया ठीक है पहले केक की लेयर डाली उसके ऊपर सिरप डाल दिया पूरा या जूस डाल दें ताकि सॉफ्ट हो जाए इसके बाद आपने जेली के पूरे मिक्स लेयर बिछा दी उसके बाद कस्टर्ड हाफ डाल दिया अब फ्रूट जो मिक्स है पूरा ये पूरा मिक्स फ्रूट इसके ऊपर बिछा दें ठीक है ये पूरा मिक्स फ्रूट इसके ऊपर एक लेयर पूरी आएगी फुल इस तरह लेयर डालेंगे ठीक है जब आप इसको निकालेंगे तो ये आप जब देखेंगे नीचे केक जेली हर चीज़ की लेयर आ रही होगी बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है और ईद के लिए स्पेशली रेसिपी और रमज़ान के लिए भी खास स्पेशल रेसिपी आप रमज़ान में भी है फ्रूट्स ना रखें सिर्फ ये ट्राइफल रखें खाना बना लें साथ बहुत ही मज़ेदार आपकी ये इफ्तार हो जाएगी ठीक है कम क्वांटिटी में बना सकते ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह भर के बनाएं ठीक है ये 8 से 10 अफराद की है क्वांटिटी ये हो गया इसके बाद हमने क्या करना फिर जो कस्टर्ड बचा हुआ है ये पूरा ऊपर से जी कॉल बैठूँ था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं कितना गलाओ पे अदा शिकारपुर का ता गलायो जी अदी चाह ले ता जा हां अदा अदा फैसल सा गलायो अदी मैं फैसल गलाए पियो जी फैसल गलाए पियो अदी फैसल सा गलायो जी 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 अदा अच्छा हाल ठीक है बिल्कुल दुआओं ता बुदायो चाह ले ता जा हां अदा ता जी रेसिपी तमाम सुठी आई ने असा यूज भी कयो ने मेहरबानी तमाम हां हां तमाम सुठी ता जी रेसिपी असा के ता जो प्रोग्राम तमाम बणंदो आए जी जी भला असा के कंडेंसर मिल्क जे को चाओ पे आ ता वो असा के देर दिखाण चाओ मां से वारन वारो जो नुस्खो थी वो असा ने डिठो हो से अच्छा ठीक है मां बुदाई तो चना मां हाने ब्रेक का को बुदाई तो चना ठीक है हां सही है ठीक है थैंक यू भाई अल्लाह हाफिज़ अल्लाह अच्छा ये मैंने सेंटर में डाल दिए जस्ट उसके लिए ठीक है जेली सेंटर में जो थोड़ी बची थी वो सेंटर में डाल दें अब क्या करेंगे हाने छा कंदा सी ब्राउन कपकेक मिलंदो है ठीक है ये देखें ब्राउन कपकेक मिलता है इस तरह छोटे 10 रुपए के केक मिलते हैं इसके छोटे छोटे आपने पीसेस कर लें ब्राउन कपकेक मिलता है इसके पीसेस कर लें इस तरह चूरा बहुत ज़्यादा चूरा ना करें छोटे छोटे पीसेस कर लें ठीक है इसको थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें भी डाल दें अच्छा लगता है केक के ब्राउन में पीसेस थोड़े से अगर नहीं पसंद तो ना डालें लेकिन इससे क्या होगा डिश भी आपकी खूबसूरत लगेगी ठीक है कपकेक लिया ब्राउन इसको इस तरह आपने पीसेस में करके छोटे छोटे पीसेस करके इसके ऊपर चॉकलेट का भी फ्लेवर आ जाएगा इसमें ठीक है हे पीसेस मिलंदा इन बारन जेला जी वठंदा आयो कपकेक ब्राउन कलर में चॉकलेट फ्लेवर जो यो विझी छजो आखिर में जे मथा विझंदा से फ्रेश क्रीम हाणे बिरयानी जी रेसिपी भी रिपीट कराया तो आई भेलपूरी जी भी कोशिश कराया तो रिपीट कराया तो ठीक है वो भी इजी है रेसिपी आई तेल जी रेसिपी भी तक रिपीट कराया तो ठीक है ये हो गया हमारा ट्राइफल अब हम डालेंगे इसके ऊपर ऑल पर की फ्रेश क्रीम ठीक है फ्रेश क्रीम को इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे इस तरह थोड़ा सा कोना काट दें अगर आपके पास बिल्कुल आराम से इस तरह ये देखें इन तरीके से 9 इंची कट्टे बढ़ जाओ उनमें आराम से निकली दिया क्रीम ठीक है ये देखें ज़बरदस्त हमारा ट्राइफल हो गया तैयार कप्स में भी बना दिया और इस तरह मैंने प्लेटर भी बना दिया इसको ठंडा करें फ्रिज में रखें अच्छी तरह बहुत ज़्यादा जम ना जाए इतना ठंडा नहीं करना लेकिन ठंडा करके आपने फ्रिज में रखना है और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है और एक इस तरह ये देखें इसके ग्लास भी बना दिए जी हे ॾिसो ठीक है ज़बरदस्त ही कपकेक असांजा तैयार थी विया कपकेक सॉरी ग्लास तैयार थी विया
उन तरीकन से ठाण सिखारे छो हाँ मैं थोड़ी सफाई क्या उन अचूँ तो किशमिश थोड़ा रहजी वह तो किशमिश भी विझी तो सगा विझी तो छा मथा का ठीक है। किशमिश भी जो इसमें भी डाल लें थोड़े से ये ऊपर से इस तरह टॉपिंग कर लें किशमिश की। किशमिश से क्या होता है अंगूर नहीं है तो इसलिए मैंने किशमिश का इस्तेमाल किया। जब अंगूर होंगे तो फिर आपने किशमिश नहीं डालना, फिर इसमें अपने अंगूर डालना है ठीक है। काट के नहीं डालना अंगूर, वैसे साबुत डालना क्योंकि वो पानी छोड़ देगा, रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। अच्छा ब्रेक तो पे जैसे मैं क्लीन किया तो ब्रेक खा पहुंची ताकि रेसिपी भी रिपीट करें तो मैंगो शेक भी ठाइंदा सी आई जामे शीरी भी ठाइंदा सी इलायची फ्लेम में वटू तक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजी ब्रेक का पे तुम सामू जो फ्रूट ट्राइफल ठाया उनके असेंबलिंग भी करी छी है तमाम बेहतरीन तरीके से फ्रूट ट्राइफल जे छो वो न तो मैं क्या छी वा सजी रेसिपी ये थोड़ी थन्द न तुम गल मत ये थोड़ी थन्द ब्रांड्स लगल मतलब मैं प्रोग्राम खराब कर छा पो तल मथे। अच्छा हम बनाएंगे मैंगो शेक। मैंगो शेक खपे एक अदद अंब एक अदद आम ठीक है। इसमें एक कप डालेंगे ये एक पाव सॉरी ऑल पर फुल क्रीम मिल्क एक पाव ऑल पर जो फुल क्रीम मिल्क ठीक है। एक अदद अंब विझी छो उनका पो फ्रेश क्रीम विझंदी इनमें केतरी चार खणी जा चमचा 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डाल दी ठीक है। चार खणी जा चमचा फ्रेश क्रीम ही ब ग्लास ठही वा आराम से ब सर्विंग है। दो सर्विंग है एक बड़ा आम क्यूब्स में कटिंग किया हुआ फ्रेश क्रीम 4 टेबल स्पून डाल दी। उसके साथ मैंने इसमें एक पाव दूध डाल दिया टेट्रा पैक ऑल पर का ठीक है। चार खाने के चम्मच चीनी ये दो सर्विंग है ठीक है। आइस क्यूब्स एक कप चला जाएगा। बर्फ एक कप विझंदो बर्फ खा ही ढो जबरदस्त ठहो है जिडे तुम क्रंची सो थो बिल्कुल पींदा आयो ड्रिंक ठीक है। इसको अच्छी तरह बीट होने दें। मैंगो शेक ठीक है। मैंगो शेक हमारा हो गया तैयार। कडूं था बर्फ से छा देंदो है बिल्कुल थदो यख थी वेंदो है क्रंची फ्लेवर इंदो है ठीक है। मैंगो शेक हो गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे इलायची फ्लेवर में और बिरयानी की रेसिपी में जल्दी से रिपीट कराता हूँ आपको ठीक है। इलायची फ्लेवर में हम बनाएंगे कश्ती का जामे शीरी। एक गिलास में 3 स्पून डालेंगे किस तरह बंद किया हुआ यार। एक गिलास में 3 खाने के चम्मच हम डालेंगे ठंडे पानी में कश्ती का जामे शीरी इलायची फ्लेवर में ठीक है। तमाम बेहतरीन ड्रिंक है तुम दस्तखान से पाँच ठाई रखी सकोता ठीक है। बिरयानी रेसिपी के लिए बिरयानी मसाला जो हमने बनाया था उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या किया मैंने उसमें डाला था ठीक है। उसमें हमने डाली थी साबित ज़ीरा ठीक है। एक चाय का चम्मच ग्राइंडर में डालना है साबित ज़ीरा एक चाय का चम्मच साबित काली मिर्च एक चाय का चम्मच डाल दें ठीक है। उसके साथ आपने सौंफ डालने हैं एक चाय का चम्मच ये एक किलो बिरयानी का बता रहा हूँ ठीक है। एक चाय का चम्मच सौंफ एक चाय का चम्मच साबित ज़ीरा एक चाय का चम्मच से थोड़ी कम साबित काली मिर्च जायफल जावित्री 1/2 टीस्पून जितनी डाल दें ठीक है। उसके बाद आपने डाल देना है बादियान के 2 अदद फूल उसमें ठीक है। इन चीज़ों को आपने ब्लेंडर में डालना है और छोटी इलायची डालनी है इसमें 4 अदद बड़ी इलायची 1 अदद ठीक है। इन सब चीज़ों को पीस लेना पीस के एक प्याले में निकाल लें। उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च भर भर के डालेंगे एक चाय का चम्मच देगी लाल मिर्च डालेंगे एक चाय का चम्मच ठीक है। नमक 1.5 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर डालेंगे इसमें
दो चाय के चम्मच हल्दी पाउडर, एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चाय का चम्मच ये सब चीज़ें मिला लें, अच्छी तरह मिला के साइड में रख दें पूरा बिरयानी मसाला को, फिर आलू बुखारे छह डाल दें या इमली के पीसेस तोड़ के डालें, मिक्स करें, एक किलो बिरयानी का मसाला बन गया। फिर वो आपने पूरा प्रोसेस किया था उसमें बिरयानी मसाला, वरना इस तरह के पैकेट्स बना के एक एक किलो के बिरयानी के आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। ऑयल जो है कि एक आधा लीटर ऑयल में मेथी दाना विझंद दो, अठ खाने जो चमचे तई के मथा हल्को रोस्ट करो, उनके मोटो मोटो कुटे ऑयल में मिलाई शीशे बोतल में भरी दह ढी रखो, उसमें ढी में 2-3 दफ़ा हिलाए जो, 10 ढीन का ऑयल जो मसाज कजो, उनके सजो ढी छी बी शैम्पू कर, हफ्ते में 3 दफ़ा कौ, 3 महीने का रिजल्ट इन जैसे ऑयल खत्म थे इन्हीं प्रोसेस के ऑयल के ठाईंदा वनो, 10 ढी तेज उसमें रख तो ऑयल तमाम सुनो, 3 महीने में तुम्हारा प्रोसेस तक समझ अची वो। अनम बाकी तक सुबाने में रेसिपी बुधाईदम भेलपूरी की, अज टाइम बिल्कुल एंड थी ये रेसिपी, ये कल 12 बजे रिपीट चलेगी कुकिंग विद शेफ़ समीरा पेज में रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें कुकिंग विद फैसल सिन टीवी पे, आप उस पर यूट्यूब पे आपने सर्च करना मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उसको सब्सक्राइब करें लाइक करें तो अपडेट्स मिलते रहेंगे, और पेज पे कोई भी चीज़ समझ आ रही है मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दिया करें, मैं रिप्लाई करता हूं सबको और वहां पर मैसेज रेसिपीज़ भी शेयर करता हूं। कल की रेसिपी देखिएगा मज़ेदार, ईद के हिसाब से बनाएंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुबाने 12 वगे रिपीट हलो कुकिंग विद शेफ़ फैसल मुझे पेज और रेसिपी अपलोड नहीं थी, वीडियो दिसन ला सर्च कियो सिंध टीवी HD कुकिंग शो या कुकिंग विद फैसल भी सर्च कर दो यूट्यूब पे, ताकि वीडियो मिली वी उनके सब्सक्राइब कजो लाइक कजो, काश समझ में अचे पेज से मैसेज कर पुछे अचो, पाँच खोड़ सारा ख्याल रखो, इनशाला नई रेसिपी से अगर सुबह तक मुलाकात थी दुआओं में अंदर कजो लाफिज। हाँ कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असान जो यूट्यूब चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।